No, no, that's fine. Yeah, okay, no sir, please. तो हमारा खाना आ चुका है. Unwrap जिंदगी. Interesting name. Interesting. जब तक नहीं आओगे तब तक रुकेंगे, invite करके जाएंगे आपको. So what's up everyone? I hope all of you doing absolutely fine. Welcome back to Unwrap जिंदगी. अभी time हो रहा है 4:30 शाम के 4:30. इतने लेट टाइम पे मैं व्लॉग क्यों चालू कर रहा हूँ? बिकॉज आज का प्लान ही ऐसा बना था. आज 26 तारीख है एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइज. पता है आप ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हो, बट फिर भी बताने का फर्ज बनता है, बता दिया मैं. नाउ अनदर थिंग, हम बंगालियों के लिए हमारे घर पे अभी सरस्वती पूजा एक्चुअली है, तो घर घर में हो रहा है. ऐसा नहीं कि बंगालियों के घर में होता है, बट बंगालियों में एक चीज़ स्पेशल है, सरस्वती पूजा एंड वैलेंटाइंस डे एक ही साथ मनाते हैं बंगाली, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन स्पेशली कपल्स यू नो अपने एथनिक वेयर पे रहते हैं. एज यू कैन सी हर गेटिंग रेडी, तो अपना चेहरा देखो, इसका बॉडी कलर और चेहरे में यू कैन नॉट सी कि ये एक ही इंसान का चमड़ा है. सी द हैंड कलर एंड सी हर फेस कलर. फेस और हाथ का कलर अलग लग रहा है. अलग लगेगा, ये तो कॉमन बात है. उतना भी अलग नहीं लग रहा. नहीं, जरूरत था इसका. तो तुम क्यों पहन रहे हो? नहीं नहीं, मैं मेकअप का बात. ये सिर्फ मैंने नहीं लगाया है, ये इसने भी लगाया है. देख, कुछ समझ आ रहा है? मैं तो सिर्फ टेस्ट करने के लगाया था कि है क्या, क्या काम क्या होता है. देखो, कुछ समझ आ रहा है आपको? नेचुरल ब्यूटी है, इसलिए वो एक सवाल होता है ना कि आर मेन मोर ब्यूटीफुल और आर वुमेन मोर ब्यूटीफुल. ऑब्वियसली मेन आर ब्यूटीफुल बिकॉज वो मेकअप के बिना ही खूबसूरत है कि नहीं दोस्तों? कॉमेंट में बताओ. कॉमेंट करेंगे नहीं, जो सच है वो कॉमेंट. लड़कियां ही सुंदर है. ना ना ना, लड़के सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है अमंग द होल जितने भी सारे क्रिएचर्स है प्लेनेट पे. तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग. तो फाइनली हम दोनों रेडी, मतलब ये रेडी हो गई. हम लोगों ने मोहल्ले में थोड़ा जा रहे हैं तो देखने की भैया पूजा वूजा हुआ है ना. एक्चुअली हम लोग लेट क्यों निकल रहे हैं, ये अपने घर में पूजा समाप्त करके फिर आई मेरे घर. हाँ. यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ पूजा हो ही नहीं रहा है. टू माई अटर सरप्राइज. देसी जुगार. पापा मुझे आज बता रहे थे सुबह को कि तुम जब हिंदी बोलती हो, मतलब मैं मैं जब हिंदी बोलती हूँ तो लगता है कि एक बंगाली हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन शुभ्रो जो बात करता है हिंदी में, समझ नहीं आया. बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि तुम बंगाली हो. नहीं चलता ना, बस काफी है मेरे लिए. तो आज हम लोग जा रहे हैं आउट एंड बियॉन्ड के नाम की एक कैफे में, जो एक बंगाली यूट्यूबर का है. यूट्यूब चैनल का नाम है इनसाइड आउट. इनसाइड आउट. सो ये बंगाली कम्युनिटी में बहुत फेमस यूट्यूबर्स है ये लोग. नाम है सौहार्द और अर्पिता. यस. सो ये प्लान मैंने नहीं, मम्मी ने बनाया. मतलब हम लोग सोच रहे थे कि क्या करेंगे, अगर मम्मी उन लोगों का व्लॉग हर व्लॉग डेली देखती है, और डेली में एक दिन में 3-4 व्लॉग देख लेते पुराने वाले. हाँ. तो आज है एक्चुअली 26 तारीख एंड मजे की बात यह है कि कल अगर सरस्वती पूजा होता तो एक और अच्छा बात होता ये कि 27 जनवरी से हम दोनों बातचीत करना चालू किए थे, मतलब व्हाट्सएप नंबर लेना. हाँ. ये 27 जनवरी से चालू किया था हमने, मतलब 24 तारीख देखा. हाँ. और 27 तारीख को इसको मालूम पड़ा कि एक लड़की इस पे इंटरेस्टेड है, जो ये भी था तो. हाँ, इसको जब किसी ने बताया. हाँ, शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड. हाँ, शी इज ऑल्सो. मैं सोचा हाँ, ये का सुने लिया रे. वाह रे वाह. चलो, ये तो मछली जब खुद जाल में आना चाहती है, हमको तो जाल लपेटना पड़ेगा. हम उस दिन जाल लपेटा. हाँ, तो एक ग्रुप बनाया. ग्रुप तो मतलब तुम क्यों, मतलब मेरा नंबर अकेले में नहीं ले सकते थे? मतलब नहीं, जिसने हमको बताया उसके साथ हम तीनों का ग्रुप बना. हाँ. 2 मिनट बातें की. हाँ. फिर अपना दो मिनट भी नहीं, हम लोग सिर्फ हाई बोले. हाँ, और मैं उसको बता रही थी जिसने नंबर दिया कि तुम क्यों दे उसको मेरा नंबर, तो वो मुझे बोल रही है कि तुम ही ने तो कहा था कि अगर नंबर चाहे तो दे देना. तो मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि नंबर दे दिया, अब तो बातें होगा. लेकिन फेस पे नहीं दिखाना है, मुंह पे नहीं दिखाना है. नंबर क्यों दिया तुमने? मैंने कहा तो मैंने तो वैसे ही कह दिया था. तो उसके बाद से बातें चालू एंड ऑन
मार्च 18th आई प्रपोज्ड हर एंड दैट वाज द सेकंड टाइम कि मैं फिजिकली एज ए डेट मीट कर रहा हूं. 27th फेब को हम लोग पहली बार मिले. 25th फेब को हम लोग मिले थे पहली बार, और दूसरी टाइम वो 18th मार्च को मिले थे और उसी दिन प्रपोज कर दिया उसने. मतलब लड़की हाथ से फिसल ना जाए. अभी टाइम हो रहा है 6:30, हम लोग पहुंच गए हैं कैफे, थोड़ा आगे है, यहाँ पे पार्किंग का जगह मिल गया, पार्किंग कर लिए. मैं अपना बैग लाया हूँ जिसमें है, बाप रे, जिसमें है मेरा ऑफिस का लैपटॉप, बिकॉज ऑफिस का काम, मतलब छुट्टी तो नहीं लिया हूँ, ऑफिस का काम और भी इधर उधर का कुछ भी काम रहता है तो कर लूँगा. एक सच बात बताओ आप लोगों को, दिस इज़ वन ऑफ दोज कैफेज जहाँ पे जाने में मेरे को वो सोच नहीं आ रहा है कि ये लोग ब्लॉगिंग करने देंगे या नहीं देंगे. नहीं, ब्लॉगिंग जरूर करने देंगे, लेकिन एक बात है कि अंदर म्यूजिक है कि नहीं, वो अलग बात. जनरली बहुत सारे कैफेज में ऐसा होता है कि नहीं भाई, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट. तुम कैमरा उस साइड से क्यों पकड़ते हो? तुमको दिखाई नहीं देता ना, ये मैंने देखा है, सामने पकड़ना पड़ेगा. हाँ. नहीं तो ये दिखती नहीं है, मैंने बहुत बार देखा है. एक्चुअली अकेले ब्लॉगिंग करने का आदत है. अब आदत डाल लो, बदल लो. हाँ, आदत बदल लो. तो दैट्स द कैफे जितना भी आपको दिख रहा है, लेट्स गो. ओहो हो, लोग बाहर, मेरे को लग रहा है लाइन है, इतना ज्यादा चल रहा है मेरे को लग रहा है. नहीं, अभी हम लोग को थोड़ा बाहर बैठना पड़ेगा. एंड यू कैन सी इट्स अ गुड एम्बियंस बाहर बैठने के लिए भी, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग अभी घुस नहीं सकते. तो 10-15 मिनट शायद बैठना पड़ेगा, मेरे को लग रहा था ये होगा. मैंने बोला कैमरा पे नहीं, नहीं, बाहर ऐसे ही लोग खड़े होते हैं कैफे के बाहर. तो फाइनली हमारा नंबर आ गया है, अभी हम लोग एंट्री करेंगे. गेट खोल दो मेरे लिए, हाथ में सामान है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द कैफे लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड. एक चीज़ यहाँ पे मस्त देखा मैंने, लास्ट में जो मैं बोलता हूँ स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, वो यहीं लिखा है. एंड कीप वाचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल. अगर इस नाइस बैकड्रॉप पे खड़े ही हो तो मेरा एक फोटो निकाल दिया. वॉशरूम जाना है तुमको? कोई है? देखो पहले लॉक है क्या. इट्स अ नाइस कैफे, बट क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा इधर उधर जहाँ पे हम लोग बैठे हैं दैट इज़ नॉट द गुड साइड ऑफ द कैफे. दूसरा साइड, मतलब ये जो वॉशरूम के साइड वाला पार्ट है, दैट्स मोर ब्यूटीफुल. मतलब कलर वाइज, डेकोरेशन वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. तो हमारा खाना आ चुका है एंड दिस इज व्हाट वी ऑर्डर्ड. ये हमने सिर्फ इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि हमने काफी लोगों को देख रहे हैं, हम लोग ये ऑर्डर कर रहे हैं. अभी लगभग क्या है खा के देखते हैं. चिकन नगेट्स, काफ़ी अच्छा है. मतलब हम लोगों को वेज में कुछ भी खिला दो, मेरे को हम लोगों को अच्छा नहीं लगने वाला जब तक वो चिकन ना आ जाए. सो फाइनली वी आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ द कैफे एंड टू आवर अटर सरप्राइज द ओनर्स आर हियर. मतलब हम लोग सोच रहे भगवान को मांग रही थी और आ गए. अच्छा, मतलब एक्चुअली कैफे में लोग बोल रहे थे कि नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, बट लकीली वी आर अबाउट टू मीट देम. एंड दे आर बोर्डिंग ऑफ द कार एक्चुअली. हेलो, राइट टाइम में निकले राइट. हैप्पी शॉर्ट शूट. ओके, एक्सपीरियंस वॉज नाइस, बट आज बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे. मतलब बाहर आधा घंटा 45 मिनट बैठते थे, उसके बाद अंदर जाते हैं. नो नो, दैट्स फाइन. सो रियली गुड टू मीट यू इन पर्सन एंड देयर इज कुल्फी, यू कैन सी टेकिंग आउट ऑफ द कार. So we are asking inside, पूछ रहे थे अंदर. अच्छा. तो बताया कि आप लोग नहीं आओगे आज. So we are kind of sad कि meet नहीं मिल पाएंगे. वहाँ पे वो भगवान जी थे तो मैं मांग रही थी कि आ जाए, बस आ जाए. आप लोग किधर से हो? We are from Shodhpur. Oh, from Shodhpur. Not far. Really nice to meet you, sir. Yeah. Oh yeah, no,
Spotify please. Thank you so much for coming. Vlog Yeah, Hindi content. Unwrap Zindagi. Unwrap Zindagi. Interesting name. Interesting name. Yeah, thank you. Would love to see your content again. Yeah, but definitely. But one thing I'm telling today only, we are getting married soon. And we are going to invite you to come, okay? But I'm not sure we will be getting the time out or not. But definitely will try. I will come, and I think this is the place we can meet and invite you, right? Yeah. But generally, kis time pe aap aate ho yahan pe? Ye thoda fix nahi rehta. Okay. Aaj aa gaye, yahi kaafi hai. सुबह आ जाएंगे, जब तक नहीं आओगे तब तक रुकेंगे, इनवाइट करके जाएंगे आपको. विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर न्यू फेज इन लाइफ. यस एंड टू एवरीवन हूएवर वाचिंग दिस वीडियो. ओह आई थॉट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा एंड हैप्पी रिपब्लिक डे. यस थैंक यू सो मच. ओके सब हमारा गाड़ी उधर पार्क किया हुआ है, हमें चल के जाना पड़ेगा. So you want to click pictures? Yeah. Okay. Allah give hand. So नहीं करके finally मिल लिया दोनों से. And to be very honest, they look more beautiful in real life than on camera. Yes. मतलब दोनों भैया और वो दीदी देखने में बहुत सुंदर है. Yes. तो इफ आई गिव यू अ जेन्युइन रिव्यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अबाउट द कैफे, जेन्युइन मतलब यूट्यूबर्स है इसलिए अच्छा बोलूँगा ऐसा नहीं है. जेन्युइन रिव्यू है कि पिज़्ज़ा मेरे को ओके लगा, बट चिकन नगेट्स वाज रियली गुड. एंड कैफे सजाया भी बहुत अच्छी तरह से है. बहुत अच्छी आज हम लोगों को थोड़ा मतलब नॉइज आज ज़्यादा था, हल्ला ज़्यादा हो रहा था बिकॉज ज़्यादा भीड़ था. तो उसको तो वी कैन नॉट डू एनी थिंग. आज सरस्वती पूजा है, छुट्टियाँ लोगों का, रिपब्लिक डे है, छुट्टियाँ लोगों का, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग आएंगे. मिल लिया, दिल को खुशी मिली मेरे को और इसको भी. ओके सो शायद हम लोग दिखेंगे उनके व्लॉग में भी, क्योंकि एक शायद क्लिप लिया होगा ना. एक शायद क्लिप लिया है. चलो कोई नहीं, अभी जाते हैं घर गाड़ी में बैठ के. हो गया इसके लिए आए थे, वो काम हो गया. मिलने आए थे मेनली, कैफे से ज्यादा मिलने आए थे. हो गया, मिल लिया. हाँ. मतलब वो लगा ना, मतलब बाहर निकल रहे हो, एक डिसअपॉइंटमेंट था चेहरे पे. हाँ. यार नहीं यार मैं अंदर बैठ के भगवान जी से मांगा, और मैं जब बाहर निकल रही थी तो आई वॉज जस्ट लाइक दिस एट आई लुक्ड एट देयर एंड वही है. तो काफी सही सा फीलिंग था. चलो जिंदगी में पहली बार यूट्यूबर से मिला हूँ जो मतलब असली में यूट्यूबर है, नहीं तो यूट्यूबर तो आजकल सभी है. चलो घर जाते हैं. तो आ गए हैं हम लोग अभी घर, एंड अभी क्या होगा, रील. कितने सारे तुम्हारे साथ? दो या तीन. और उसमें रीटेक कितने होंगे एक एक में? पांच पांच करके. वो मुझे पता नहीं, तू मगर शान से मन लगा के. नहीं मन तो मैं लगाता हूँ जी. तो एक टेक में ही हो जाएगा. मैं वहां से गाड़ी में चढ़ी और यहाँ पे उतरी, पूरा गाड़ी पूरा रास्ता मैंने सिर्फ इनसाइड आउट का बात किया. सिर्फ और सिर्फ ये सब करते हैं. और ये सब कहाँ दिखता है? इंस्टाग्राम में दिखता है, मेरे और इसके इंस्टाग्राम में दिखेंगे. तो कृपया मेरे को और इसको फॉलो कर ले, और वहाँ पे हम लोग लाइव. हम लोग भी जल्दी से जल्दी इनसाइड आउट के जैसे पहुँच पाए, उस मौकाम पे पहुँच पाए, उसके लिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो. तो वो आपकी मर्जी, बस वो आपकी मर्जी नहीं, प्लीज करो प्लीज. तो हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और करते रहेंगे वो तो अलग बात, लेकिन अभी काम करते हैं, रात में मिलते हैं आप सबसे. तो अभी टाइम हो रहा है 11:42 एंड आई एम डेड टायर्ड. मतलब अभी मेरे को बिस्तर दे दो ना और मैं लेट जाऊँ तो पता नहीं कितना घंटा बाद मेरे को होश आएगा. आई एम दैट मच टायर्ड. तो अभी जाऊँगा मैं खाने, मम्मी बुला रही है खाने के लिए. तो यहाँ तक रखते हैं ब्लॉग को. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ. एंड टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी. एंड अनदर थिंग, आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग शॉर्ट्स फ्रॉम व्लॉग्स के छोटे छोटे हिस्से शॉर्ट्स में, इंटरेस्टिंग मज़ेदार हिस्से शॉर्ट्स में अपलोड करना चालू किया हूँ. सो यू कैन चेक आउट दैट सेक्शन ऑल्सो.